अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर हकीम असलम जावेद, वर्ल्ड ऑफ यूनानी चैनल से। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी और उसका यूनानी इलाज। जैसा कि आप जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर जो है एक अच्छी बीमारी नहीं है, उससे बहुत सारी परेशानियां जो है लाहक हो सकती हैं इंसान को। हाई ब्लड प्रेशर किसी को रहे तो वो नुकसानदेह होता है, लगातार जो है उस इंसान को दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और बहुत सारी उससे परेशानियाँ पैदा होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर की माहियत और इलाज मालूम करने से कब ये मालूम होना ज़रूरी है कि एक आम आदमी का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। कल्ब को तमाम जिस्म में खून पहुँचाने के लिए जो ताकत खर्च करनी पड़ती है, इस ताकत के नतीजे में रगों पर जो दबाव पड़ता है, इसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। कल्ब जब फैलकर खून को अपने अंदर दाखिल करता है, इसको इन बसाती हालत यानी डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। ये आमतौर से 70 से 90 दर्जे तक होता है। जब कल्ब खून को तमाम जिस्म में गर्दिश करने के लिए अपने अंदर से खारिज करता है, तो इसको इनकबाजी दबाव या सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये अमूमन 110 से 130 तक होता है। 40 साल के उम्र के तंदुरुस्त आदमी का ब्लड प्रेशर औसतन 80 से 120 होता है। खून के दबाव की ज्यादती को मालूम करने की आसान तरकीब यह है कि मरीज की निस्फ उम्र को 100 में जोड़ दिया जाए तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो जाता है। इससे अगर ज़्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर माना जाएगा। मसलन 40 साल की उम्र के मरीज की निस्फ उम्र 20 साल में 100 जमा किया जाए, इस तरह जोड़ 120 हुआ। अगर 120 से ज़्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर माना जाएगा। वक्ती तौर से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसको मर्ज में शुमार नहीं करना चाहिए। मौजूदा मशीनी दौर में ब्लड प्रेशर की ज्यादती एक बड़ा मसला है। ये आमतौर से 40 साल से ज़्यादा उम्र वालों में होता है। जज्बाती हिजान, सख्त मेहनत और मशक्क़त की वजह से भी कुछ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन ये आर्जी होता है। अगर 120-80 से मुसलसल ऊपर है तो इसको मर्ज में शुमार कर लेना चाहिए। दिल जब सीने में सिकुड़ता है तो खून की एक ख़ास मकदार को शरियानों में धकेलता है। शरियानों की नालियाँ यकीनन कुदरती तौर पर लचकदार होती हैं, इसलिए वो एक ख़ास हद तक फैलकर इस खून को कबूल कर लेती हैं। फिर जब यह खून शरियानों के तबई दबाव के आगे बढ़ता और उरूक शरिया बाल जैसी बारीक रगों में पहुंचता है, तो शरियाने अपनी लचक के सबब सिकुड़कर अपनी साबिका हालत पर लौट आती हैं और ये सिलसिला बराबर जारी रहता है, जिसके नतीजे में खून रगों में एक ख़ास रफ्तार के साथ बराबर बहता रहता है। अगर शरियानों में ये कुदरती लचक न होती तो इनमें खून बराबर बहने की बजाय थोड़े थोड़े वक्फे से बेसिलसिले बहता। ये वाजह है कि खून का दबाव या खून की खालिस रफ्तार हालत अतदाल पर इसी वक्त तक कायम रहती है जब तक खून की मकदार, कल्ब की क़ुव्वत इनकबास, दिल के सिकुड़ने की ताकत और खूनी रगों की बारीक बारीक शाखों की क़ुव्वत मुकाबला हालत अतदाल पर रहती है। लेकिन एक तंदरुस्त इंसान में इन तीनों बातों में बराबर तब्दीलियाँ होती रहती हैं। मसलन जब इंसान किसी वजह से जोश में आता है तो इसका दिल गैर मामूली तौर पर ज़ोर ज़ोर से सिकुड़ने लगता है, फौरन खून का दबाव बढ़ जाता है। इस तरह जब ये ज़्यादा पानी पी लिया जाता है तो खून की मकदार बढ़ जाती है और इससे भी खून का दबाव बढ़ जाता है। खून का दबाव बढ़ने की अलामतें क्या क्या होती हैं, अब हमको ये जानना चाहिए। जब कोई इस मर्ज़ में मुबतला होता है तो शुरू में इसकी अलामतें नहायत मामूली होती हैं। चुनाचे जब वो तेज़ चलता है या सीढ़ियों पर चढ़ता है तो इसका सांस फूल जाता है। कोई काम करने से जल्द थकन हो जाती है। कभी कभी दिल पर एक ख़ास किस्म का दबाव महसूस होता है। कभी कभी सर में शदीद दर्द पैदा होने लगता है। दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगता है, चक्कर भी आने लगते हैं। रात को कभी कभी नींद नहीं आती है और दिमागी कामों से इनकी तबीयत घबराने लगती है। ये एक तरीके से अलामतें होती हैं जो ब्लड प्रेशर के बढ़ने की अलामतें मानी जाती हैं। लेकिन जब कुछ मुद्दत तक ये हालत कायम रहती है तो रोज़ बरोज़ कमज़ोरी बढ़ती जाती है। मरीज़ को इसका कुछ एहसास होता है, वो इलाज की सोचता है, मालिक खून का दबाव देखने वाले आले से मुआयना करता है तो खून का दबाव बढ़ा हुआ नज़र आता है। अगर शरियानों में सख्ती ज़्यादा हो तो खून का दबाव हर वक्त अक्सर रहता है, वरना चलने फिरने, कामकाज करने, आराम करने, खाने पीने और गुस्से वगैरह, इन हालात में रात दिन के 24 घंटों में कमोबेश होता रहता है। कभी कभी खून का दबाव बढ़ने के फ़ौरन बाद सकता या फालिज भी हो जाता है और कभी मिर्गी का दौरा भी पड़ जाता है और कभी मरीज़ को दिल के दर्द के दौरे पड़ने लगते हैं। ये इसके नुकसान हैं। अगर ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा है तो उससे इस तरह के नुकसान आम हैं और अक्सर देखा गया है कि नौजवानों में भी
मतलब 40 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनमें इस तरह की परेशानियां पैदा हो जाती हैं। इस मर्ज से महफूज रहने की क्या तदबीरें हैं? जहां तक हो सके मरीज को इन बातों से बचना चाहिए जिससे ये मर्ज पैदा हो। टेंशन नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा सा सुकून रखना चाहिए ज़िंदगी में, ज़्यादा भाग दौड़ परेशान कुन होती है। मरीज़ को शराब, चाय, कहवा और तंबाकू नोशी से रोकना चाहिए। नमक और गर्म मसाला बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सादा गज़ाएँ खाने के लिए अच्छी रहती हैं। कब्ज़ हरगिज़ नहीं होने देना चाहिए। पेशाब और पसीने में रुकावट भी नहीं पैदा होनी चाहिए। हमेशा साफ़ और खुली हवा में रहें। गुस्सा व गज़ब, रंज व गम और परेशानी से दूर रहते हुए खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इलाज क्या है इसका? सबसे बड़ा मसला यह है कि ब्लड प्रेशर का इलाज क्या है। आप ज़्यादातर देखते होंगे कि लोग जो हैं ब्लड प्रेशर के लिए अक्सर देखा गया है कि किसी से मालूम कर लें कि वो मैं ब्लड प्रेशर की अंग्रेज़ी दवाएं इस्तेमाल करता हूँ। एलोपैथिक दवाएं लोग ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी शख्स में खून का दबाव बढ़ने का यकीन हो जाए और इसको फ़ौरन आराम करने की हिदायत देनी चाहिए, उसको फ़ौरन लेट जाना चाहिए। अगर कब्ज़ हो तो फ़ौरन रुकना एनीमिया कराना चाहिए या कब्ज़ को दूर करने वाली दवाएं जो हैं, कोई मुलैन दवाएं जो हैं वो देनी चाहिए, जैसे कि यूनानी में बहुत सारी इस तरह की दवाएं मौजूद हैं। इसके बाद सुबह शाम बकरी का दूध रोज़ बताज़ा शरबत उन्नाब या मिश्री से मीठा करके पिलाना चाहिए। इसके अलावा अगर ककड़ी, खीरे के बीज 6 माशे, उन्नाब 5 माशे, धनिया खुश्क 3 माशे को पानी में पीस छान कर मिश्री से मीठा करके सुबह शाम दें तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। असरॉल एक बहुत अच्छी दवा है जिसको सर्पगंधा और छोटा चांद भी कहते हैं। मुस्तकिल तौर पर खून के बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए बड़ी मुफीद दवा है। ये दवा ज़रूरत के मुताबिक लेकर कूट छान कर सफ़ूफ़ बनाएं और 1.5 माशे ये सफ़ूफ़ सुबह और शाम दूध या पानी के साथ दें। ग़िज़ा और परहेज़, सादा जल्द हजम होने वाली ग़िज़ाएँ जैसे दूध, दही, छाछ, मक्खन, मूंग, अरहर की दाल, साग, साग उर्फा साग, पालक, घिया, लौकी, तुरई, टिंडा, परवल और मोटे आटे की रोटी खाने के लिए दें। ताज़ा फलों में सबसे अच्छी चीज़ है सेब, संतरा, अंगूर, नाशपाती, मीठा लींबू, लौकाट वगैरह दें। बाखला, लोबिया, चना, माश की दाल और तली हुई चीज़ें भी परहेज करना चाहिए। इसके अलावा आधा चम्मच कलौंजी का तेल गर्म पानी में मिलाकर पीना अपनी आदत बना लें, इससे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा ककड़ी में मौजूद पोटाशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा रहता है। रोज़ाना आधा कप ककड़ी का रस पीना फ़ायदेमंद होता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को नींद भी कम आती है, इसलिए सुकून और नींद ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ नमक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है जबकि चीनी का शरबत हाई ब्लड प्रेशर को घटाता है। अगर ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाए तो पानी या शरबत पी लेना चाहिए ताकि पेशाब खुलकर आए और पेशाब के बाद ब्लड प्रेशर कम होने लगे। इसके लिए यूनानी इलाज भी बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने अभी बताया सरॉल एक ऐसी दवा है जिसको बहुत कामयाब माना जाता है और इससे बहुत सी यूनानी दवाएँ तैयार की जाती हैं। ख़ास तौर से इस वक्त देखा जा रहा है कि यूनानी में कई अद्वियात, कई कंपनियां ऐसी दवाइयां तैयार कर रही हैं जो कि ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके लिए हमारे यहाँ भी बहुत ख़ास इलाज मौजूद है। ख़ास तौर से हम इसके लिए एक कैप्सूल है जो कि रिसर्च प्रोडक्ट है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। गोलियाँ होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और जो इससे दूसरी होने वाली परेशानियाँ हैं उनको भी जो है रोकने की ज़रूरत होती है, उनसे रोकना चाहिए। इंसान को चाहिए कि वो सुकून की ज़िंदगी गुजारे, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ और टेंशन से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा किसी मसले को सोचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी मसले को सोचेंगे तो उससे जो है बहुत सारी परेशानियाँ पैदा होती हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, नींद भी नहीं आती और उसके मुज़िर असरात पैदा होते हैं। आप अपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वर्ड ऑफ यूनानी चैनल को, और इसमें बेल आइकॉन भी दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बीमारी के बारे में पहुंचाएं जिससे वो लोग जाने ये देखिए। और अगर आप हमसे इसके लिए किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी हो तो हमसे आप राबता कायम कर सकते हैं। शुक्रिया।